हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने कल एक्सरसाइज डिस्कस करी थी 4.1, जिसमें हमने अप टू 8 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग ट्राई करेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, देखो ये हमको प्रूफ क्या करना था कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है 0,0। और मैंने आपको डिसकॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए बोला था कि हम एक पाथ चूज करके लाते थे सच दैट कि उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर लिमिट एग्जिस्ट ना करे उस पर्टिकुलर पाथ पे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे फंक्शन की वहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो डिसकॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो अब तक जो हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे वो हम पाथ कैसे चूज करते थे, जैसे यहाँ पर एक्स की पावर 1 तो वाई की भी 1, एक्स की क्यूब तो वाई की भी क्यूब, तो बेसिकली ये कैसे हो रहे थे, लीनियरली एक दूसरे पर डिपेंड करते थे, मतलब पावर सेम थी। तो हम वाई इक्वल टू एम एक्स पाथ लेते हैं तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन में वाई इक्वल टू एम एक्स पाथ लिया तो दिक्कत क्या आ रही थी, लिमिट एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई। तो जैसे ही मैंने वाई को एम एक्स से रिप्लेस किया तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई का क्यूब, मतलब एम एक्स का होल क्यूब, जो कि एम क्यूब एक्स क्यूब बन जाएगा, डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई की जगह एम एक्स। अब नीचे तो एक्स कॉमन आ रहा है और ऊपर हालांकि आ तो एक्स क्यूब कॉमन रहा है, बट वो कैंसिल सिर्फ एक ही एक्स होगा, मतलब बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस एम क्यूब एक्स स्क्वायर ऊपर बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस एम। तो अब ये जो मेरे पास क्वांटिटी बची है इसके अंदर m के अलावा x भी है, तो अब यहां से आप नहीं बोल सकते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि अब अगर मैं x की जगह 0 डाल दूंगी इस पूरे क्वेश्चन में तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 इंटू एम 0, तो ऊपर वाली क्वांटिटी पूरी 0 आ रही है और नीचे 1 माइनस एम और 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो इस क्वेश्चन में तो हमको लिमिट एग्जिस्ट कर गई है इस y इक्वल टू एम एक्स पाथ के लिए। तो अब हम यहां से नहीं कह सकते कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस पाथ के लिए तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमें ये प्रूफ करना होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमको एक ऐसा पाथ चूज करना होता है कि उसकी वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। और अगर किसी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए हर पाथ के लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसकी इस पाथ पे तो कर रही है, तो मुझे अब और डिसकंटिन्यूस प्रूफ करना ही है, तो मेरे को ऐसा पाथ लेके आना था जिससे ये डिसकंटिन्यूस प्रूफ हो जाए। तो देखिए इस बार इसका जो पाथ है, क्योंकि देखो यहां पर एक्स स्क्वायर बच रहे थे तो मुझे ऐसा चूज करना है कि एक्स ना बचे सिर्फ एम बचे। तो इस क्वेश्चन में जो आप पाथ लेंगे वो ये लेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, एक्स माइनस एम एक्स क्यूब। इससे होगा क्या, डिग्री सेम बन जाएगी पूरे फंक्शन की और एक्स सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो दिक्कत आ रही थी वो अब नहीं आएगी। तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस एम एक्स क्यूब जब पाथ लेंगे, और ऑब्वियसली हमारा पॉइंट क्या है, 0,0, मतलब एक्स 0 तो वाई भी 0, इसकी वजह से जो पूरा पाथ है वो भी क्या वैल्यू दे रहा है, 0 ही दे रहा है। तो मतलब ये हमारा पाथ क्या है, चलेगा इस क्वेश्चन को डिसकॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के लिए। तो अब मैं इस पाथ के अलोंग अपने फंक्शन की लिमिट निकाल रही हूं एट पॉइंट 0,0। तो अब आप रखिए एक्स क्यूब प्लस वाई को किससे रिप्लेस कर रही हूं मैं, एक्स माइनस एम एक्स क्यूब, और क्योंकि ऊपर फिर होल क्यूब था तो होल क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, वाई क्या है दोबारा से एक्स माइनस एम एक्स क्यूब। तो अब ध्यान से नोटिस करिए, अब मैं इसको थोड़ा मैनिपुलेट करती हूँ, देखो नीचे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट और ये माइनस माइनस प्लस एम एक्स क्यूब, ऊपर एक्स क्यूब प्लस। अब देखो इन दोनों में से क्या क्वांटिटी कॉमन आ रही है, एक्स, तो मैंने एक्स बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस एम एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये क्यूब अभी तो पूरे पे चल रहा है ना, मैंने तो सिर्फ इस ब्रैकेट से बाहर निकाला, क्यूब से अभी बाहर नहीं निकाला है, तो एक्स ही निकला है। और अब जब आप देखेंगे क्यूब दोनों पे जाएगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का क्यूब। और अब फाइनली देखेंगे आप तो इन दोनों क्वांटिटी में से क्या बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब भी और नीचे भी एक्स क्यूब है, तो फाइनली कैंसिल आउट हो रहा है, सब कुछ किस में बच जाएगा, एम में। तो आप एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे जब इन दोनों में से तो क्या आएगा, तो जैसे ही मैंने अब एक्स क्यूब कॉमन निकाला, अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर का क्यूब अपॉन एम एक्स क्यूब, अभी फाइनली कैंसिल आउट हो चुका है, तो क्या बचा, 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर अपॉन एम और इसका क्यूब। तो अब जैसे ही अब आपको टेंड क्या करना था, एक्स जीरो, तो जैसे ही आप एक्स जीरो डाल भी देंगे तो ये क्वांटिटी जीरो होगी, बट 1 का क्यूब तो 1 और प्लस में ये वाला 1, तो क्या आ गया, 2 अपॉन एम। तो फाइनली मेरे पास क्या बच रही है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ एम प्रेजेंट है,
एक्स नहीं है, तो एम प्रेजेंट है और एम तो मेरा एनी रियल नंबर था, तो मैं इसकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस लेती जाऊंगी तो इसकी लिमिट क्या आती रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट, एक पर्टिकुलर नहीं आ रही है। तो अब ये मुझे एक ऐसा पाथ मिल गया था जिसमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है किसी एक पाथ के लिए भी, तो वो फंक्शन कैसा माना जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस एट 0.0, तो हेंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे करना था। तो आई होप कि आपको 8 क्वेश्चन तक अब कोई डाउट नहीं है, आप लोग प्लीज अच्छे से करते रहिए 8 क्वेश्चन तक, और जो इसके प्रीवियस एग्जांपल्स थे वो भी आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, तो आप पहले उनको करिए और फिर डाउट आ रहा तो प्लीज मुझसे वो भी पूछिए। थैंक यू।